हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनम गर्ग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। नॉर्मली बैंगन का भरता गैस स्टोव पे बैंगन और सब्जियों को रोस्ट करके बनाया जाता है, पर इस प्रोसेस में कई बार अंदर कीड़े रह जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, जिसमें आप आसानी से चेक कर सकते हैं और बिना कीड़ों के बैंगन का भरता बना सकते हैं। साथ ही हम इसकी ट्राई करेंगे अप्पे पे बनने वाली बाटी। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनने वाली बाटी है और इसका फ्लेवर और टेस्ट जो ओरिजिनल हम बाटी खाते हैं उससे भी अच्छा आता है। तो क्विक बनने वाली ये रेसिपी है, आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप एक मीडियम साइज़ का बैंगन ले लें, लगभग 300 ग्राम का ये है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक हरी मिर्ची ले लें, इन्हें अच्छे से धोकर साफ़ कर लें। उसके बाद बैंगन की कैप हटा दें और अंदर इसे कट कर लें। हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। आप चेक कर सकते हैं इसमें, अगर कीड़े हों तो उन्हें हटा लें या फिर कोई नया बैंगन फिर यूज़ करें। तो इसे हम ऊपर से पील भी कर देंगे साथ में। और जब भी आप बैंगन को काटें तो हमेशा इन्हें पानी में ही डालें, क्योंकि बहुत जल्दी ये काले होते हैं। बैंगन को छोटे पीसेस में कट करके हमने पानी में रखा है। अब आप कोई भी कुकर ले लें, हम बैंगन को यहाँ पे रोस्ट नहीं करेंगे। कोई भी कुकर लेने के बाद एक टेबलस्पून ऑयल मैंने उसमें डाला है और अंदर के सरफेस को हम अच्छे से तेल से पूरी तरीके से कोट कर देंगे। यही प्रोसेस हमें कुकर के कवर के लिए भी करना है। कट किए हुए बैंगन को पानी से अलग करके हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंगन को अच्छे से पकाने के लिए सिर्फ 1/4 कप पानी हम इसमें डालेंगे और ऊपर से कुकर की लिड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर गैस स्टोव पर रख देंगे और सिर्फ इसमें एक सीटी लेंगे। तो देखिए, एक सीटी आ चुकी है। अब गैस स्टोव को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ही पूरा ठंडा होने देंगे। तो देखिए, ठंडा हो चुका है, तो कुकर की लिड को अब हमने हटा लिया है। आप देख सकते हैं बैंगन बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हल्का सा भी इसे हम दबा रहे हैं तो पूरी तरीके से क्रश हो रहे हैं। तो आप इसे बाहर निकाल लेंगे। एक स्मैशर की हेल्प से बैंगन को अच्छे से हम क्रश कर लेंगे तो ये हमारा एक पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। रोस्टिंग का भी पूरा इसके अंदर फ्लेवर आए, उसके लिए हम टमाटर और ये हरी मिर्ची को रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा तेल हम हाथों में लेकर इस तरीके से टमाटर और मिर्ची को उससे अच्छे से कोट कर देंगे। भट्टे को तो हम रोस्ट नहीं करेंगे, पर स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए ये टमाटर और मिर्ची को हम किसी भी वायर स्टैंड पे या फिर वायर की रैक पे इस तरीके से रख देंगे। स्टोव को हम एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे। ऑयल लगने के कारण ये बहुत जल्दी और अच्छे से रोस्ट होगी। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट के बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर का टिंज आने लग जाएगा, टमाटर आधा पक जाए, हम गैस को बंद कर देंगे। जब ये दोनों चीज़ ठंडी हो जाए तो हम इसका छिलका उतार लेंगे। हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। टमाटर के बीच में पड़ने वाले बीज हम इसमें से हटा देंगे। बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसके अंदर 1/3 कप ऑयल डाला है और इसके बाद ऑयल को मीडियम हॉट होने दिया है। जैसे ही तेल मीडियम हॉट हो जाए, फ्लेम को लो कर देंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे मैंने तोड़कर डाला है, 1 टीस्पून लहसुन कुटी हुई और साथ ही आधा टीस्पून अदरक कुटा हुआ। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे लगभग 20 सेकंड के लिए। 20 से 30 सेकंड में जब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बहुत बारीक कटा हुआ प्याज। ये लगभग एक बड़े प्याज के जितना होता है और इसे हम 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे, जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। 3 मिनट में लगभग ये आधा कुक हो जाएगा। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बहुत बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये लगभग एक टमाटर के जितना है। ये वही टमाटर है जिसे हमने पहले रोस्ट किया है और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे टमाटर जो है थोड़े से मॉइस्ट हो जाएंगे। तब किसी भी स्मैशर की हेल्प से हम इन टमाटरों को और अच्छे से मैश कर देंगे। हम तुरंत ही फ्लेम को लो कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करने वाले हैं। आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसे बहुत अच्छा कलर देगी पर कम तीखी होती है, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला लगभग 1/4 टीस्पून जितना, लेमन जूस लगभग आधा टीस्पून जितना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर दाने ऐड किए हैं आधा टेबलस्पून जितना, ये रोस्टेड यानी कि हल्के भुने हुए दाने हैं। इन सभी को हम सॉटे करेंगे और उसके बाद तुरंत हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बैंगन जो हमने पहले मैश कर लिए थे, ये लगभग 3/4 कप जितना है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। ये इसलिए क्योंकि बैंगन का भरता जितना ज़्यादा भुनता है उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से भुनने दिया है और इसके बाद फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप कोरिएंडर लीव्स यानी कि बारीक कटी हुई कोथमीर, और उसे भी अच्छे से हम एक बार स्टिर करेंगे। तो इतनी देर में आप देखेंगे बैंगन के भरते में से एकदम स्मोकी अरोमा भी आने लग जाएगी। ये बहुत कुछ तंदूर में पके हुए बैंगन का जो भरता होता है उसका आपको स्वाद देगा और बहुत ही इजी टेक्निक से ये बन जाता है।
ज्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए बैंगन का भरता बनकर तैयार है। इसका फ्लेवर जो नॉर्मली हम रोस्ट करके बैंगन बनाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है। ये किसी भी पनीर की सब्जी को बहुत आसानी से बीट कर सकता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाटी अक्सर तंदूर में या ओवन में बनाई जाती है, पर इसे बनाते समय हाथों के जलने का भी बहुत डर रहता है और इसे बार बार पलटना पड़ता है जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। ट्रेडिशनल बाटी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे और ज़्यादा फोस्टा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 पिंच बेकिंग सोडा लगभग 1/8 टीस्पून के जितना, साथ ही 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे दही, 1.5 टेबलस्पून घी। दही इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और घी इसे बहुत ज़्यादा फोस्टा बनाता है। इसका जो आटा हम गूंदेंगे वो लगभग मीडियम कंसिस्टेंसी का होगा, मतलब पूरी के आटे जितना सख्त भी नहीं होगा और ना ही रोटी के आटे जितना नरम होगा। सेमी टाइट डो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 2/3 कप पानी का यूज़ किया है, मतलब 2/3 कप पानी मुझे इसमें लग गया है। सूजी धीरे धीरे करके पानी अब्जॉर्ब करती है और चूंकि इस बैटर के अंदर सूजी भी है तो आपको धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये ड्राई होगा, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से नीट करना है। तो ये देखिए हमारा बाटी का डो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी टफ है, तो बस ये एकदम परफेक्ट है। इसे हम ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से अनकवर किया है और अच्छे से नीट कर लिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोए बनाएंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन डो का मैंने हाथ में लिया है और दोनों ही हथेलियों के बीच में इसे थोड़ा सा चपटा किया है। मार्जिन्स को फिर साथ में लाते हुए ऊपर की तरफ एक लंबा सा पोर्शन अलग किया है। तो इसके बाद ऊपर के पोर्शन को हमने नीचे वापस से फ्लैट किया है और इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में इसे एक राउंड बॉल का शेप दिया है। ऐसे में इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ेंगे और ऊपर से इसे हम थोड़ा सा बटन शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बाकी के पूरे पोर्शन के साथ भी हम यही कर लेंगे। टोटल लगभग 7 से 8 इसमें आप बाटी बना सकते हैं। ये लेमन साइज से थोड़ी सी बड़ी है। तो अब हम बाटी को अप्पे स्टैंड में रोस्ट करेंगे। इसके लिए हमने अप्पे स्टैंड को मीडियम फ्लेम पर रखा है और ये छोटा अप्पे स्टैंड मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं, पर उसके बीच में ज़्यादा फ्लेम लगेगी और आजू बाजू कम, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर हर एक कैविटी के अंदर हमने 1/2 टीस्पून घी रखा है। मीडियम फ्लेम पर जब इसे रखते हैं तो सिर्फ 1 से 2 मिनट में अप्पे स्टैंड गर्म हो जाएगा। अप्पे स्टैंड के मीडियम हॉट हो जाने पर हम फ्लेम को लो कर लेंगे। घी के गर्म हो जाने पर हम एक एक करके सारी जितनी भी हमने बाटी बनाई है वो हर एक सॉकेट में रख देंगे। अप्पे स्टैंड को आप किसी भी लिड से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये दूसरी तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। हम किसी भी चम्मच की हेल्प से इसे पलट कर देखेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम फिर से इसे कवर करके गर्म होने देंगे। फिर से 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे अनकवर करेंगे और उसके बाद बाटी को देखेंगे। बाटी फिर भी अच्छे से सिक चुकी है, इसे एक बार पलट कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 बार में अप्पे स्टैंड और ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपका। तो जब आप 3री बार इसे पलटें तो सिर्फ 1 से 2 मिनट में इसे पलट कर चेक कर लें। तो 3री बार भी आप देख सकते हैं बाटी काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो एक बार और इसे हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढककर सिकने देंगे और फिर पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं बाटी का टेक्सचर बाहर से गोल्डन ब्राउन बहुत ही अच्छा हुआ है। तो देखिए हमारी सारी बाटियाँ बनकर अब तैयार हैं और इसे जब मैं आपको बाद में तोड़कर दिखाऊंगी तो आप ये भी देख पाएंगे कि अंदर से बहुत अच्छे से सिकी हुई हैं। अप्पे स्टैंड में बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आपके हाथ नहीं जलते हैं और बहुत एक्सपर्टाइज आपको होना नहीं पड़ता है बाटी बनाने के लिए। जब भी बाटी को सर्व करना हो तो पहले घी को अच्छे से स्टोव पर गर्म कर लें और एकदम गर्म घी के अंदर बाटी को इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में तोड़कर डालें ताकि घी अंदर भी अच्छी तरीके से जा पाए और ऊपर भी अच्छी तरीके से कोट हो सके। सारी ही बाटियों को घी में डिप कर लेंगे। भरते को भी अब हम प्लेट कर लेते हैं। यकीन मानिए आप तंदूर में बाटी सेकना बंद कर देंगे अगर एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको इतना अच्छा रिजल्ट शायद ही किसी और प्रोसेस से मिले। होप यू लाइक द रेसिपी और अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।